हेलो गाइस, माँ आनंदी किचन में आपका स्वागत है। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से वेज सैंडविच बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आधा प्याज बारीक काट लेंगे। आधा टमाटर बारीक काट लेंगे और इसी तरीके से आधा शिमला मिर्च, खीरा और गाजर को भी बारीक से काट लेंगे। और उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उसके बाद प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, गाजर, धनिया और 2 से 3 बड़ा चम्मच वेज म्यूनीज डालें। फिर स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालें। इसके बाद सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स होने के बाद फिर वाइट ब्रेड लें। मैं यहाँ पर वाइट ब्रेड ले रही हूँ, आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो स्टफिंग हमने बनाई है उसे अच्छे से ब्रेड के ऊपर लगाएं। मैं इसके अंदर बटर का इस्तेमाल नहीं कर रही, आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही मेयोनीज और बहुत सारी कैलोरीज हैं। फिर मैं एक और ब्रेड लेकर इसके ऊपर लगा देती हूँ। अब हमारी सैंडविच टोस्ट करने के लिए तैयार है। फिर हम एक तवा लेंगे या सैंडविच पैन लेंगे। मैं यहाँ पर तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी ले रही हूँ। फिर ये सैंडविच रखकर हम दोनों साइड से टोस्ट कर लेंगे और ये हमारी सैंडविच बनकर तैयार है। और ये देखिए अंदर से कितनी फ्लफी और यमी दिखाई दे रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।